जी हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. बेटा, एक्चुअली गुड मैं आपसे बात ही कर रही थी कल की. व्हाट्सएप मेरा हैक हो चुका है और कनेक्टिविटी चली गई, तो ना मैं आपको मैसेज कर पा रही थी. और यानी प्रिंसिपल सर को कॉल किया तो उनका कॉल ही नहीं लग रहा था, तो इसलिए कल का क्लास नहीं हो पाया अपना. ठीक है, तो नाउ इट इज ओके. एंड मैं ग्रुप में से भी रिमूव हो चुकी हूँ ना, तो अब आज के दिन रुक जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ प्लस माइनस प्रॉब्लम आए तो देख लेते. एंड फ्रॉम टुमारो आई विल जॉइन विथ योर ग्रुप एंड आई विल सेंड नोट्स. ओके, चलो. तो बेटा, थोड़ा सा कैसे कल और परसों में डिसकंटिन्यूटी जो हुई है, तो लेट मी स्टार्ट अगेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओके, तो वी हैव सीन मैम, जो आपने लास्ट टाइम नोट सेंड किए थे वो बहुत ज्यादा ब्लर है मैम. ओके, आई विल सेंड इट. तो बेटा, जस्ट वेट फॉर वन डे. आज के दिन रुक जाते हैं, क्योंकि मैं से रिमूव हो चुकी हूँ ना, तो हाउ कैन आई विल सेंड यू नोट्स. जी जी मैम, जो पहले से भी जो नोट्स है ना, बहुत ज्यादा ब्लर है मैम. जूम करने के बाद भी ब्लरी और दिख रहे हैं. ओके ओके, आई विल सेंड इट अगेन ना. ओके, थैंक यू मैम. ओके ओके, पूरे जितने भी है ना बेटा, मैं एक बार सेंड कर दूंगी, जस्ट कंफर्म कर लेना सभी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अगेन. मैंने यहाँ पर जो है, तो ये पैरानोज और फ्रुक्टानोज का भी ड्रॉ करके रखा हुआ है. कल हम ये पढ़ रहे थे, तभी अपनी कनेक्टिविटी चली गई थी. ठीक है, तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, वो समझने से पहले अपन ने कहा था कि वी शुड नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड हेमी केटल. ठीक है, तो जब अल्डिहाइड ग्रुप जो है रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ में, तो इट विल फॉर्म हेमी एसिटल. एंड व्हेन कीटोन ग्रुप दैट विल रिएक्ट विद द अल्कोहल, तो दैट विल फॉर्म द हेमी केटल. ओके, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है मोनोसैकेराइड का, तो दैट कैन रिएक्ट विद इधर एल्डिहाइड और कीटोन. एंड ये जो है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर होता है, जो अभी अपन ने कहा कि वो इधर दैट विल फॉर्म हेमी एसिटल और दैट मे बी फॉर्म हेमी केटल. तो अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज जो रहेगा, जो फर्स्ट कार्बन पे रहेगा, तो दैट विल रिएक्ट विद द अल्कोहल ग्रुप एट C5
जो C5 के साथ में रिएक्ट होगा एंड दैट विल फॉर्म टू टाइप ऑफ साइक्लिक हेमिएसिटल. तो वो अल्फा और बीटा जो है तो वो सेमिएसिटल फॉर्म करते हैं. तो मैंने आप लोगों को दिखाया था और आप में से किसी ने मुझे एक क्वेरी पूछी थी कि मैम ये तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज हो जाएगा. तो अगेन आई एम शोइंग यू कि वो जो है तो सेमी यानी अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज कैसे बना रहा है. ओके तो जस्ट सी हियर एज ग्लूकोज वी आर टेकिंग ग्लूकोज. तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है. तो 1, 2, 3, 4, 5, and 6. ओके नाउ हियर हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर. ओके और ये फर्स्ट कार्बन हो गया. तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. उसके बाद में यहाँ पर जो है तो इस तरह से हमें जो है अल्टरनेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है तो वो दिखाई दे रहा है. ओके ऑन द फिफ्थ हियर देयर इज नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है एंड इन दिस सिक्स्थ वी कैन सी H2OH. तो उस दिन मैंने जो है आप लोगों को कहा था कि ये फर्स्ट और ये फिफ्थ ये जो है तो इसमें हमको जो है तो रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी. और यहाँ पर मैंने O दिखाया था जिसको हमने अल्फा डी ग्लूकोज कहा. ठीक है व्हाई आई एम सेइंग इट एज अ डी ग्लूकोज बिकॉज हियर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड. इज इट क्लियर. ठीक है अब ये अल्फा क्यों कहा और बीटा क्यों कहूंगी ये जो है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. अगेन सेम 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इन द सिक्स वन सी एच टू ओ एच इज देयर. ठीक है अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओनली आपको डिफरेंस जो है तो ये यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट कार्बन. बाकी जो है तो इट विल रिमेन एज इट इज एज गिवन हियर. तो बिल्कुल सेम वैसे के वैसे रहेगा. आए समझ में बेटा? यस मैम. ठीक है देखो यहाँ पर जो है तो ये पूरा जैसे कि वैसे है फर्स्ट और फिफ्थ ये. और ये जो आप यानी किसी ने मुझे पूछा ना कि मैम इसे जो है तो हम डी ग्लूकोज क्यों कह रहे हैं एल ग्लूकोज कहना चाहिए था. तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो उसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं. अब बेटा यहाँ पर जो है तो यानी मेन जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का तो वो क्या है तो देखो डबल बॉन्ड ओ है ना. फिर बाद में जैसे कि वैसे रहता है यहाँ पर एच ओ एच सी यहाँ पर ओ एच एच सी 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 लास्ट में सी एच टू ओ एच यहाँ पर जो है तो एच है यहाँ पर ओ एच है यहाँ जो है तो एच है यहाँ पर ओ एच. तो इफ यू विल सी सी वन मिनट देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो ये डी ग्लूकोज है. डी ग्लूकोज क्यों है तो ओ एच ग्रुप जो है तो दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे देखो सिर्फ चेंज किस में हो रहा है. दिस इज नॉर्मल डी ग्लूकोज और यहाँ पर जो है तो अल्फा और बीटा दिया अपन ने. तो ये जो फर्स्ट कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है देखो ये जो फर्स्ट कार्बन है और फिफ्थ कार्बन इसी में तो चेंजेस हो रहे हैं ना बेटा. Yes, ma'am. Do you notice it or not? यहाँ पे देखो यहाँ पर जो है तो ये ऑक्सीजन जो है तो ये कहाँ पे आ रहा है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जो है तो इनका जो है तो कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा है.
समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो इस वजह से इसे जो है तो हम एल ग्लूकोज ना कहते हुए डी ग्लूकोज ही कहे। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर जो है तो हमारा रोल जो था तो वो एल के लिए नहीं था, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिर्फ ये ध्यान में रखना कि अल्फा जो है तो उसमें राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, कहाँ पर, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे, और यहाँ जो है तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा जब बीटा डी ग्लूकोज करेगा। तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखना, मैंने इसलिए कंपैरिजन के लिए आपको डी ग्लूकोज अभी निकाल के। फाइन, क्लियर? यस मैम। ओके, कैन आई प्रोसीड नाउ? सो अब जो है तो मैंने अभी यहाँ पर जो है ये दो स्ट्रक्चर निकाल के रखे हैं, तो लेट्स स्टडी अबाउट इट, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो मैंने निकाले हुए हैं तो दैट इज द पायरानोज एंड द फ्यूरानोज का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसको जो है तो अगर हम देखते हैं तो ये एक्चुअली क्या है, तो ये साइक्लिक फॉर्म के ही ग्लूकोज है, ठीक है, जिसमें हमको जो है तो फाइव मेंबर्ड रिंग जो है तो देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ जब सिक्स मेंबर रिंग रहेगी तो उसे पायरोनोज कहा जाता है, और अगर फाइव फॉर्म की रिंग है तो उसको जो है तो फ्यूरानोज कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग देखने के लिए मिलेगी, तो वो जो है तो पायरेनोस कहा जाता है उसे, और जब 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग रहेगी तो उसे फ्यूरानोस कहा जाता है। एक्चुअली ये ग्लूकोज ही है, डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज में ये 6 रिंग्स दिख रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, और ये वाला जो है तो ये अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोस। समझ में आया अभी ये? यस मैम। अच्छे से समझ रहे बेटा? ठीक है। नेक्स्ट जो है तो वो है एनोमर्स। अब एनोमर्स जो है तो ये अल्फा और बीटा जब साइक्लिक फॉर्म में, जैसे डी ग्लूकोज के जो अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म में जब हमको डी ग्लूकोज देखने के लिए मिलेगा तो उसे हम एनोमर्स कहते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ जो फर्स्ट कार्बन है तो वो फर्स्ट कार्बन जो है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में ही हमको डिफरेंस दिखेगा, बाकी इसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एनोमर। तो मैं एनोमर का एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, दे आर नोन एज एनोमर्स। तो दीज एनोमर्स दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड द फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो दैट फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, वो फर्स्ट कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। तो जो अल्फा एनोमर रहेगा वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन पे अपोजिट साइड में देखने के लिए मिलेगा, इसके तो जो CH2OH होता है उसके अपोजिट में हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये इसके रिवर्स में बीटा एनोमर में होगा, तो जैसा CH2OH एक साइड में और दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो दूसरे इसमें हमको अपोजिट इसमें मिलेगा, कि ऊपर में CH2OH दिखेगा, नीचे में जो है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, किसमें, तो बीटा एनोमर में, ठीक है। अब म्यूटा रोटेशन, ये टर्म क्या है वो देखते हैं। तो अल्फा और बीटा एनोमर्स जो है ग्लूकोज के, उनमें हमको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन दिखेंगे तो स्पेसिफिक जो ऑप्टिकल रोटेशन जो है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज में हमको देखने के लिए मिलता है, जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वाटर में उसमें जब हमको देखने के लिए मिलेगा तो वी कैन सी दैट इट इज चेंजिंग ग्रेजुअली, वो जो है तो धीरे धीरे चेंज होने लगता है
बिकॉज उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली जो है इसका हमको जो है तो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो वो नियर अबाउट 112.2 डिग्री से जो है वो चेंज होगा 52.7 डिग्री का। ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये रोटेशन 112.2 डिग्री से 52.7 डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है। तो ये जो चेंजेस है दैट इज कॉल्ड एज न्यूटा रोटेशन, ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दे हैव अ डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन एंड स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन विच विल ग्रेजुअली चेंजेस एंड दे विल ट्राई टू अटेन इन इक्विलिब्रियम विथ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो फर्स्टली दैट विल बी 112.2 degree and then it will change into 52.7 degree Celsius. So that is nothing but the muta. Okay. Now in the presence of alkali, there will be decrease in the optical rotation. Ab wo jo decrease hota hai, to that will be very rapid. Wo bahut jyada rapidly rahega. Optical rotation jo hai beta glucose ka, वो 18.7 डिग्री सेल्सियस 18.7 होता है, 18.7 डिग्री इतना जो है तो वो डिक्रीज होता है। तो वी कैन गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन इट इज द चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन विच विल रिप्रेजेंट इंटर कन्वर्शन ऑफ अल्फा एंड द बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज the equilibrium mixture. तो ये जो है ये एक proper definition है। Do you understood or not? Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ये जो देखा है, देखो ये जो अल्फा और बीटा ये जो rotation है तो ये भी तो वही है ना, ये भी तो optical rotation, ये भी तो muta rotation ही है। समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमको जो है ये म्यूटा रोटेशन देखने के लिए मिलेगा कि जैसे अल्फा डी ग्लूकोज जो है तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने जा रहा है। पहले उसका जो है तो 112.2 डिग्री था, तो वो जो है रोटेट होता है 52.7 पे, और लास्ट में जो है जो बीटा डी ग्लूकोज है तो उसका रैपिड हमको जो है तो रोटेशन देखने के लिए मिलेगा, डिक्रीज रोटेशन और वो रहेगा 18.7। इस तरह से यहाँ पर जो है ये जो रोटेशन होता है दैट इज नथिंग बट द म्यूटा रोटेशन। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है दैट विल कंटेन नियर अबाउट 63% बीटा एनोमर एंड 36% अल्फा एनोमर जो है तो हमको ग्लूकोज में देखने के लिए मिलेगा, एंड 1% जो है तो ओपन चेन फॉर्म हमको देखने के लिए मिलता है। तो एक्वा सॉल्यूशन जो है बीटा फॉर्म का, एक्वा सॉल्यूशन में बीटा फॉर्म हमको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज जो है तो दे आर इंटर कन्वर्सिबल, वो कंटिन्यूसली इंटर कन्वर्सिबल है। अब देखो बीटा जो है तो क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू अल्फा कहा मैंने, ठीक है। और ये इस तरह से इनका जो है तो हमको एक सिग्निफिकेंट क्वालिटी जो है देखने के लिए मिलती। नाउ यहाँ पर म्यूटा रोटेशन जो है तो फ्रुक्टोज का अगर हम देखते हैं तो फ्रुक्टोज इसमें भी म्यूटा रोटेशन देखने के लिए मिलेगा। फ्रुक्टोज जो है तो पायरोनेज रिंग ये जो है जब फ्यूरानोज में कन्वर्ट होती है, ये जो हम लोगों ने ग्लूकोपायरोनेज की जो ये रिंग देखी, ये जब कन्वर्ट होती है, ठीक है, फ्यूरानोज में, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है और फ्रुक्टोज जो है तो
उस समय में ऑप्टिकल रोटेशन में जो आता है, तो वो जो ऑप्टिकल रोटेशन में रहेगा वो -92 डिग्री में रहेगा। वो जब यानी रोटेशन करेगा, यानी यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज जो है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानेज। तो उस समय में ये जो रोटेशन होगा, ये रोटेशन कितना होता है बेटा, तो -92 डिग्री इतना उसका रोटेशन। आई थिंक यू शुड अंडरस्टूड नाउ। समझ में आया सभी को? यस मैम। अच्छे से समझा बेटा? ओके। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स जो है तो इसके रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है? तो इसके अलग अलग जो रिएक्शंस है दैट वी विल सी। तो आई एम रबिंग दिस एंड देन वी विल प्रोसीड। So now our topic is reaction of monosaccharides. अब यहाँ पर monosaccharides की जो first reaction है, that is I have mentioned here, tautomerization or the enolization. अब ये जो है, जो hydrogen atom जो होता है, तो उसका shifting होता है। जो फर्स्ट कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन से अगर वो अनादर कार्बन के तरफ शिफ्ट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, टॉटोमराइजेशन कहेंगे, ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय टॉटोमराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनादर। तो दैट विल प्रोड्यूस एनएडीओल, वो जो है तो एनएडीओल प्रोड्यूस करेगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज टॉटोमराइजेशन। तो शुगर प्रोसेस, जो शुगर है तो शुगर में एनोमेरिक कार्बन एटम जो है तो प्रेजेंट है, दैट वी हैड ऑलरेडी सीन, एंड दैट विल अंडरगो टॉटोमराइजेशन। तो ये टॉटोमराइजेशन कब होगा शुगर का? तो जब वो अल्कलाइन मीडियम में रहेगा, यानी अल्कली के साथ में जब वो रिएक्ट होगा that time tautomerization reaction will occur. Do you understood beta? Yes ma'am. ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि अगर हम ग्लूकोज को अल्कलाइन सोल्यूशन में रख देते हैं for several hours, यानी कुछ घंटे के लिए हमने वहां पर रख दिया, तो हमें यहाँ जो है आइसोमराइजेशन होते हुए दिखाई देगा, और वो आइसोमराइजेशन जो है तो जो होगा तो वो डी फ्रुक्टोज और डी मैनोज फॉर्म करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, एंड इट इज कॉल्ड एज लॉब्री डी ब्रुनवॉन एकेनस्टेन ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम राइटिंग हियर जो नेम है उसका, वो लॉब्री डी ब्रॉन एकेनस्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन है, जो टॉटोमराइजेशन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉब्री डी ब्रून बॉन
it instant transformation because it was introduced definitely the scientist and that's why the name is given. ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो जब ये रिएक्शन होती है तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज द एनएडीओ. वो एनएडीओल जो है तो फॉर्म करेगा. ये जो एनएडीओल का स्ट्रक्चर है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, निकालती हूँ. ठीक है, तो हाउ दिस एनएडीओल इज फॉर्म सो दैट आई एम शोइंग यू नाउ. तो यहाँ पर जो है चाहे वो डी फ्रुक्टोज रहे चाहे सॉरी डी ग्लूकोज रहे चाहे डी फ्रुक्टोज रहे चाहे डी मैनुअल रहे तो ये जो है ये सारे के सारे कन्वर्ट किस में होंगे तो एनएडीओल में. ठीक है, तो यू कैन सी कि हाउ इट विल गेट चेंज. यहाँ पर जो है तो देखो ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन में दिखाया देखने के लिए मिल रहा है तो हियर it will convert into hydroxyl. बाकी जो है मैम. हाँ बोलो बेटा. मैम इसमें R ग्रुप क्यों है यहाँ पे? R यानी जितने भी बाद में हाइड्रोजन और कार्बन रहेंगे ना, यानी कितने भी रह सकते हैं ना बेटा. ऐसा नहीं रहता कि इसमें जो है वो मिथिल ग्रुप कहा जाता है ना. yes. हाँ, ग्लूकोज में सिक्स कार्बन है ना, है कि नहीं? यस मैम. वी हैव शोन ओनली थ्री. यस मैम. आर में क्या आ जाएगा? वो बचे हुए कार्बन आ जाते तो हम लिख सकते कार्बोक्सिल ग्रुप बोलेंगे ना उनको. नहीं कार्बोक्सिल नहीं, मिथिल ग्रुप. मिथिल ग्रुप. हाँ ठीक है मैम. वन कार्बन और थ्री हाइड्रोजन, थ्री भी रह सकते टू भी रह सकते, तो दैट डिपेंड ऑन वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी पे डिपेंड. ठीक है, इसीलिए हर जगह पे अपन ने आर लिखा यहाँ पर. ठीक है, तो वो नंबर ऑफ कार्बन जो है तो कितने भी रह सकते हैं, एड अप होते जाए. और मैम एक और डाउट था, जो एनिडॉल है उसमें जो है फर्स्ट और सेकंड कार्बन में उसमें डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या चक्कर है? ये देखो कार्बन की वैलेंसी फोर है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? फोर. ठीक है, फोर. हाँ तो यहाँ पर देखो ये वन वैलेंसी हो गई जो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया. सेकंड वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है तो वो ये सेटिस्फाई करेगा. अब बचे हैं दो बेटा. ठीक है,
इसीलिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके मैम थैंक यू। पहले देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इससे हमेशा डबल बॉन्ड रह पाए, समझ में आ रहा ठीक है। पर जो है तो ये देखो कार्बन की ये 2, 3, 4 ये वैलेंसी कंप्लीट, लेकिन अब इसका कन्वर्शन जो है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हो रहा, तो ये एक बॉन्ड निकल गया बेटा यहाँ पर ठीक है, ये एक बॉन्ड निकल गया ना, तो डेफिनेटली कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड। यस मैम थैंक यू मैम। ठीक है समझा अभी? यस मैम। सबको समझा बेटा अच्छे से? नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है तो दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब रिडक्शन आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी लोअर क्लासेस में, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोजन जो है तो ऐड अप होता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो शुगर जो है ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग ये दोनों इसने इसको क्लासिफाई किया, वो रिड्यूसिंग का भी काम करेंगे और नॉन रिड्यूसिंग का भी काम करेंगे। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है तो ये कहाँ पे होगी, तो जहाँ पे फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है प्रेजेंट है वहां पर होगी। तो यहाँ पर लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट जो है तो की जाती है, जिसमें रिड्यूसिंग एक्शन जो है हमको शुगर की देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं या फिर सेलिंग की टेस्ट करते हैं या फिर बारफोर्स टेस्ट की जाती है। तो ये जो टेस्ट है इसमें हम रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वही टेस्ट करते हैं एक्चुअली शुगर की। तो रिडक्शन ये अल्कलाइन मीडियम में ही हम लोगों को जो है तो इफेक्टिव रहेगा, एसिड मीडियम में वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखता है, दैट विल नॉट शो और दैट विल नॉट बी इफिशियंट इन द अल्कलाइन मीडियम ठीक है, सॉरी इन द एसिडिक। समझ में आ रहा बेटा? यस मैम। ठीक है अब ये एनिडियोल फॉर्म जो है तो ये एनिडियोल फॉर्म इसमें जो शुगर है तो जो क्यूप्रिक आयन होता है कॉपर सल्फेट का तो वो क्यूप्रिक का क्यूप्रस में कन्वर्शन होता है। अब जब क्यूप्रिक बोले तो वो Cu2+ होता है और क्यूप्रस बोले तो Cu+1 होता है, तो इसमें जो है इसका कन्वर्शन होता है। अब जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक येलो प्रेसिपिटेट जो है तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होता है, इसका क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, या फिर यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, यानी रेड कलर का भी जो है तो प्रेसिपिटेट दिखेगा, अगर वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट है तो वो क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड हमेशा रेड पीपीटी फॉर्म करेगा और क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है तो दैट विल फॉर्म येलो कलर पीपीटी ठीक है। तो हम जो है ये जो रिएक्शन है ये कैसे दिखाएंगे, तो वी कैन शो दैट रिएक्शन। सी यहाँ पे हमने शुगर का सॉल्यूशन लिया, तो दैट शुगर विल कन्वर्ट इनटू एनिडियोल फर्स्ट ठीक है। अब ये एनिडियोल में जब उसका कन्वर्शन हुआ तो यहाँ पर एक सुपर एसिड फॉर्म होगा ठीक, और ये जो है तो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है तो पहले क्यूप्रिक और फिर जो है तो क्यूप्रस में उसका कन्वर्शन हुआ और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है तो वो फॉर्म हुआ। ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, तो व्हेन वाटर विल रिएक्ट विद द क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड के साथ में
जब वाटर रिएक्ट करेगा तो दैट टाइम इट विल फॉर्म द क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब देखो ये तो हमको इम्बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे कॉपर जो है सो टू दिख रहा है. If I will write here two, so copper की valence जो है तो ये copper balance हो गया. लेकिन oxygen two दिख रहा है और hydrogen भी two दिख रहा है. तो हमने जब सामने यहाँ पे two लिखा है, तो that will be for oxygen and that will for hydrogen also. तो इस तरह से यहाँ पे हमको ये chemical reaction जो है तो देखने के लिए मिलेगी. Do you understood बेटा? समझा कि ठीक है. तो देखो शुगर जो है वो पहले कन्वर्ट, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जब पेस्ट किया तो यहाँ पर शुगर का कन्वर्शन एनिडियोल में होगा और वहां पे शुगर एसिड बनेगा. अब ये कॉपर सल्फेट में से जो क्यूप्रस है तो सॉरी क्यूप्रिक जो है तो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो गया. अब ये जो क्यूप्रस है तो वो क्या कर, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है तो वो वाटर के साथ में कंबाइन होके क्या बनाएगा, तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बनाएगा. अगर वो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बनाता है तो वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट शो करेगा. अगर यहाँ पर जो है तो सिर्फ क्यूप्रस ऑक्साइड ही रहेगा तो फिर वो रेड कलर का पीपीटी बनेगा. ठीक है, समझा या नहीं समझा ये? यस मैम समझ गया. हाँ एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ बेटा देखो बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह हम लोग किस लिए करते हैं? हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं बेटा कि हमारे यूरिन में शुगर तो नहीं है. समझ में आ रहा? ठीक है, तो यूरिन में शुगर कब रहेगी? जब हमको डायबिटीज होता है तो उस समय में हम जनरली ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है तो यूज करते हैं. तो उसमें क्या होगा, देखो अगर हमारे यूरिन में शुगर अगर है तो वो जो शुगर है वो किस में पहले कन्वर्ट होगी? एडेनियोल में. ठीक है, अब एडेनियोल में कन्वर्ट होकर वो क्या बनाएगी? शुगर एसिड बनाएगी. तो हमने जो सॉल्यूशन लिया है टेस्ट के लिए उसमें क्या होता है, जनरली कॉपर सल्फेट होता है. कॉपर सल्फेट जो होता है तो इसमें क्या होगा, आयंस का सेपरेशन होता है. अब आयंस का सेपरेशन होगा तो पहले यहाँ पर जो है तो क्यूप्रिक का जो आयन है तो वो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब ये क्यूप्रिक का क्यूप्रस में कन्वर्शन होगा. अब ये जो क्यूप्रस है तो यहाँ क्यूप्रस हाइड्रो जो ऑक्साइड होता है वो वाटर जो उस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट रहेगा उसके साथ में रिएक्ट होगा और वो रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पर वो क्या बनाएगा, तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बनाएगा. अगर वो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो हमको क्या दिखेगा, अगर शुगर है तो उसमें येलो कलर का नीचे में डिपोजिशन दिखेगा, इसको अपन येलो प्रेसिपिटेशन कहेंगे. ठीक है, या कई बार ऐसा भी होगा कि रेड कलर का प्रेसिपिटेशन दिखेगा, तो रेड कलर का प्रेसिपिटेशन यूरिन में ब्लड है वो दिखा रहा है क्या? तो नहीं, वो जो है तो क्या दिखा रहा है, अगर क्यूप्रस ऑक्साइड जो है तो वो एज इट इज प्रेसिपिटेट होता है. समझा बेटा अभी? Yes, ma'am. ठीक है, अब next जो है तो वो है oxidation. अब यहाँ पर जो है तो जो oxidizing agent use करते हैं हम उसके ऊपर में ये property जो है तो depend रहेगी. तो यहाँ अगर aldehyde या ketone group जो है वो अगर टर्मिनल पे है और अल्कोहल टर्मिनल पे है या दोनों ग्रुप्स जो है तो उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी सिर्फ अल्डिहाइड का भी हो सकता है या सिर्फ कीटोन का हो सकता है या फिर यहाँ पर जो है तो दोनों इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है. तो यहाँ अगर अल्डिहाइड ग्रुप है और उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको एसिडिक ग्रुप मिलेगा. यानी ग्लूकोज का डेफिनेटली यहाँ पर हम ग्लूकोज का ही देख रहे हैं ना, तो ग्लूकोज का देख रहे हैं और ग्लूकोज का जो है अल्डिहाइड ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो व्हाट वी विल गेट ग्लूकोनिक एसिड. वहां पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड यानी
ग्लूकोनिक एसिड। और अगर टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप जो है जो CH2OH होता है वो CH2OH का टर्मिनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन अगर होता है तो वहां पर जो है हमको ग्लूकोरोनिक एसिड ठीक है। तो ये अपन ने अच्छे से ध्यान में रखना है कि व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप टेक्स प्लेस देन इट विल फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। और अगर ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप टेक्स प्लेस तो दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। समझ में आया? यस मैम। समझा बेटा सभी को? डू यू अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। यस और नॉट? कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस मैम समझ गया। हाँ नाउ रिडक्शन। तो यहाँ पर जो है which reducing agent we are using means हम सोडियम अमलगम का यूज कर रहे हैं तो उस समय में अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होते हैं मोनोसैकेराइड के ये जो है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है। वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो we can see such a reaction रिडक्शन का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जब हाइड्रोजन क्या होता है पार्टिसिपेट करेगा एज अ रिएक्टेंट तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है सी ये हाइड्रोजन जो है तो यहां पर कंबाइन होगा। अब ये यहाँ पर कंबाइन हो रहा है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये निकल के ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है दैट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्सिल। एक वैलेंसी बचेगी वहां पे हाइड्रोजन रहेगा और हियर आर। अब आई थिंक ये इसमें अभी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हम जो है तो ग्लूकोज के लिए बाकी के बचे हुए जो फाइव का जो
मैम मैम आपका माइक म्यूट है तो वॉइस नहीं आ रही. ओके तो अच्छा लेट इट रिमेम्बर कि इफ वी आर टेकिंग एनी ग्लूकोज, ये ध्यान में रखो, अगर कोई भी ग्लूकोज हम लेते हैं तो उसका रिडक्शन होने के बाद में व्हाट वी विल गेट द अल्कोहल. समझ में आ रहा? तो अल्कोहल ग्रुप में लास्ट में ओएल होता है. तो इफ वी आर टेकिंग डी ग्लूकोज देन इट विल गिव्स राइज टू डी सॉर्बुटॉल. इफ वी आर टेकिंग डी गैलेक्टोज देन वी विल गेट डी डल्सिटॉल. Then if we are taking D-mannose, so D-mannose will give rise to D-mannitol. If we are taking D-fructose, so that will give D-sorbitol plus we will get D-mannitol. Okay. And lastly, if we are taking D-ribose, so that will give rise to D-ribitol. इन दिस वे हम लोगों को जो है तो शुगर से हमेशा ही अल्कोहल मिले रिडक्शन प्रोसेस होने के बाद. अंडरस्टूड और नॉट? डू यू अंडरस्टूड? यस मैम. मैम वाटर रिमूव होगा ना इससे? हाँ बेटा. OH मतलब H2O रिमूव होगा? नहीं, यहाँ पर जो है तो ये हाइड्रोक्सी एडिशन रिएक्शन होती है. अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है पहले ना, तो एडिशन रिएक्शन जो होती है जो हाइड्रोकार्बन्स में, तो वहां पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है देखो इसी को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कोई भी कार्बन, कितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हो सकते हैं, इसको छोड़ दो फिलहाल. अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है तो वैलेंसी कितनी है, 4. तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 वैलेंसी कंप्लीट है. तो यहाँ हाइड्रोजन को ऐड होना है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो ऐड होगा, ये हाइड्रोजन यानी HH ऐसा रहेगा. तो एक हाइड्रोजन जो है तो यहाँ पे आएगा. अगर वो यहाँ पे आता है तो देखो ये कार्बन जो है तो यहाँ पे R ऑलरेडी है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H आ गया, तो एक ही तो वैलेंसी बची ना वहां पे. अब यहाँ पर जो है तो O है, तो मैंने ऑक्सीजन का जो वैलेंसी बताई वो 2 है. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है तो दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैलेंसी बन गई. हाँ, इस तरह से ये जो है तो कन्वर्शन होगा एंड वी विल गेट अल्कोहल. समझा बेटा अच्छे से अभी? यस मैम, थैंक यू मैम. ठीक है, तो ये जो सॉर्बिटॉल और डल्सिटॉल जो है तो एक्यूमुलेट होता है अगर टिश्यूज में, और वो भी लार्ज अमाउंट में, तो हम लोगों को जो है प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक इफेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी. ठीक है, और जैसे कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है तो उसमें भी हमको इस तरह से ये प्रॉब्लम दिखता है. कैटरेक्ट या पेरिफेरल न्यूरोपैथी या नेफ्रोपैथी, ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस में हमको सॉर्बिटॉल और डल्सिटॉल जो है तो इसका एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलता है. ठीक है, मैन्यूटॉल ये जो है तो ये जैसे हमारे ब्रेन में इंटरक्रैनियल टेंशन क्रिएट होता है, तो ये इंटरक्रैनियल टेंशन जो है तो उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. तो हम उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, तो डायूरेसिस का यूज करेंगे, यानी उसको यूरिन आउटपुट जो है तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए हम मैन्यूटॉल का यूज करते हैं. मैन्यूटॉल आईवी के तौर पे दिया भी जाता है, डेक्सट्रोज जैसे दिया जाता है ना, वैसे मैन्यूटॉल भी दिया जाता है. छोटी सी बॉटल होती है देखो मैन्यूटॉल की, तो हमको जैसे बहुत ज्यादा इंटरक्रैनियल टेंशन है तो वो रिड्यूस करने के लिए इसका यूज. समझ में आया या नहीं आया?
यस मैम आया मैम. ठीक है, अब बाकी के जो प्रॉपर्टीज है ना बेटा, दैट वी विल सी कल देख लेंगे, क्योंकि आज काफी सारा पढ़ चुके हैं, है ना. ओके, और प्रोबेबली कल या परसों में मैं आपके इसमें ज्वाइन होंगी, क्योंकि मैं थोड़ी आज भी डाउटफुल हूँ कि मेरा हैक तो नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप तो मेरा लॉग इन हो चुका है रात में, लेकिन स्टिल आई विल वेट एंड देन प्रोसीड. ओके बेटा, तब तक जो है तो आपके पास इट्स अवेलेबल है, यू गो थ्रू इट. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.